आपके बच्चा का नाम या आपका नाम अगर बीपीएल कार्ड में है, अगर जो उसका इनकम है यानी सालाना 80,000 से कम है, उसका जो आय बनता है अगर 80,000 से कम है, तो अब आपको एक रुपया स्कूल में देने की ज़रूरत नहीं है, वो बिल्कुल फ्री में। कोई बच्चा MBBS कर रहा है तो MU से BTEC कर रहा है, अलीगढ़ से भी कर रहा है, कई ऐसी लड़कियाँ हैं जो कि डॉक्टर बन गई हैं। अगर 1 से 8 तक पढ़ रहे हैं, बीपीएल कार्ड है या 80,000 के नीचे इनकम सर्टिफिकेट है, उसके लिए सब कुछ फ्री है, स्कूल फी लेके 1 से लेके 8 तक फ्री। हाँ, हमारे स्कूल में बहुत बच्चे पढ़ रहे हैं। अच्छा, बहुत बच्चे पढ़ रहे हैं, आपका कहिएगा तो पूरा लिस्ट दे देंगे। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। नमस्कार, स्वागत है आपके CU न्यूज में और मैं हूँ आपके साथ यूनुस। देखिए, खूबसूरत स्कूल दिखाई दे रहा होगा, ये जेडे एकरा इंटरनेशनल स्कूल जो कि बनासरा में है। जेडे की बात की जाएगी, एकरा स्कूल की बात की जाएगी, तो इसका नेव रखा गया था 1998 में बढ़ारिया में। जेडे एकरा इंटरनेशनल स्कूल बनासरा में है और एकरा पब्लिक स्कूल बढ़ारिया में इसका फर्स्ट ब्रांच है। आज एनुअल फंक्शन है, यानी इस स्कूल का आज 25 साल पूरा हो गया है और 25 साल के मौके पर तमाम ऐसे जनप्रतिनिधि आए हुए हैं, गार्जियन आए हुए हैं और लड़के सांस्कृतिक कार्यक्रम कर रहे हैं। एडमिशन फ्री है और एडमिशन भी चालू है, 10 तक ये क्लास है। आप लोग एडमिशन लेना चाहते हैं तो एडमिशन बिल्कुल फ्री है जेडे एकरा इंटरनेशनल स्कूल में। हम जानेंगे यहाँ के ऑनर से आगे क्या क्या सुविधा है और कब तक ये आंसर है। आप तमाम लोग जानते होंगे आज इनका स्कूल का 25वां साल पूरा हो गया है और ये हम तो सर बता रहे थे जितने ये बच्चे हैं ना इसी स्कूल से सफल होकर, कोई बच्चा MBBS कर रहा है तो MU से BTEC कर रहा है, अलीगढ़ से भी कर रहा है, कई ऐसी लड़कियाँ हैं जो कि डॉक्टर बन गई हैं। जलाल सर के स्कूल है सर, ये लिस्ट है, ये क्या लिस्ट है बताइए इसके बारे में। ये लिस्ट है, ये लिस्ट यहीं से सीमेंट। हम अपना स्कूल स्टार्ट किए हैं उस वक्त से, अभी तो बहुत कम बच्चों का फोटो मिला है। जैसे ये बच्चा मेरे स्कूल का 2000 कोरोना के टाइम में हुआ था, ये अलीगढ़ से MBBS कर रहा है, वो भी MU से कर रहा है। MU से 10+2 भी किया। अच्छा, और वहीं से इंटर्नशिप में मेडिकल भी कर रहा है, नीट निकाल कर। हाँ, नीट निकाल कर। शुरू से अभी के स्कूल में पढ़ा, नर्सरी से लेकर 10 तक मेरे स्कूल में था। सर, बढ़ारिया में एकरा पब्लिक स्कूल है, वहाँ पे कौन कौन से क्लास के? नर्सरी से 10 तक, नर्सरी टू 10 जी। और यहाँ पे जेडे एकरा इंटरनेशनल स्कूल में कन्वर्ट कर दिए गए, इसके लुक भी है यहाँ पे? नहीं, ये हम कर दिए हैं CBSE बोर्ड। ये जो बच्चे हैं सब बिहार बोर्ड के निकले हुए हैं, सब बिहार बोर्ड के निकले हुए हैं। अच्छा, अभी इस साल जो एक बच्ची निकली है, हाँ, जो साने, हाँ, जो 9th क्लास में अलीगढ़ में एडमिशन हुआ है अभी के स्कूल। हाँ, इस साल 2022-23 के सेशन में उसका हुआ है। अच्छा सर, आपने बता रहे थे एडमिशन फ्री चल रहा है आपके स्कूल। हाँ, एडमिशन फ्री चल रहा है। कौन से बच्चों को पैसा नहीं लगेगा? 6 साल के बच्चे, जो बच्चे अगर 1 से 8 तक पढ़ रहे हैं, BPL कार्ड है या 80,000 के नीचे इनकम सर्टिफिकेट है, उसके लिए सब कुछ फ्री है, स्कूल फी लेके 1 से लेके 8 तक फ्री है। यानी जो बच्चा का BPL में नाम है, हाँ, उसका इनकम 80,000 से कम है, हाँ, वो आपके स्कूल में फ्री पढ़ेगा? हाँ, फ्री में पढ़ेगा 8 तक। ये, जी, ये बिहार सरकार का ये नियम है, रूल है, आपने इम्प्लीमेंट कर दिया है? हाँ, हमारे स्कूल में बहुत बच्चे पढ़ रहे हैं। अच्छा, बहुत बच्चे पढ़ रहे हैं, आपका कहिएगा तो पूरा लिस्ट दे देंगे। तो फ्री में बच्चे पढ़ रहे हैं? जी हाँ, यहाँ भी पढ़ रहे हैं, वहाँ भी पढ़ रहे हैं। यानी गरीब लोगों के लिए आप लोग मदद कर रहे हैं? बिल्कुल, ये बिहार सरकार ही मदद कर रही है। 1 क्लास से लेकर 8 क्लास जो बच्चे का फीस होता है वो बिहार सरकार पेड करती है स्कूल को। अच्छा अच्छा, जैसे बढ़रिया में 2-3 स्कूल बिहार सरकार से मान्यता प्राप्त है 8 तक। अच्छा, 8 तक, 8 तक बच्चों को हम लोग फ्री एजुकेशन दे रहे हैं। बुक और किताब वगैरह? सर, बुक गार्जियन को लेना होगा, उसमें भी अगर जो बच्चे ज़्यादा गरीब हैं, हाँ, उस लायक नहीं है, उसका हम उपाय करेंगे, वो जो स्कूल देता है। अच्छा, एडमिशन शुरू है सर आपके यहाँ? फ्री है, एडमिशन नहीं है। मतलब एडमिशन शुरू हो गया है? हाँ, एडमिशन शुरू है। कब तक फ्री रहेगा ये एडमिशन? ये अप्रैल तक। अप्रैल तक। ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था है आपके यहाँ? हाँ, ट्रांसपोर्ट का व्यवस्था है। कहाँ कहाँ तक लगभग? यहाँ चुलाई जाता, मुशहरी, पड़वा,
बाबू आता पूरा हाँ हाँ जोगापुर भामोपाली वहाँ तक हाँ, इसके बाद बालापुर अटखम्मा रानीपुर। कितने बच्चे हैं सर पूरे स्कूल में आपके? बच्चे तो वहाँ लगभग 500-600 हैं। अच्छा, यहाँ पे लगभग 400 से अबव हैं। सर कितना साल का शुभ अवसर पर आप लोग आज एनुअल फंक्शन मना रहे हैं? ये 26वां साल है। 26 साल हाँ 26 साल हो गया। 1998 में न्यू रखा गया था। तो चलिए, ये जलाल सर थे जो कि 1998 में न्यू रखे थे। ये बिहार बोर्ड के बच्चे हैं, सिर्फ एक सानिया परवीन को छोड़कर ये CBSE बोर्ड से यहाँ से पढ़ी हुई है। और ये जितने बच्चे हैं हम बता दें, ये बीटेक कर रहा है जामिया दिल्ली से, MD अरशद हैं ये भी यहीं से पढ़े हुए, ये भी बीटेक कर रहे हैं, शहनाज हैं जो कि तमाम जो बच्चे हैं तमाम से यहाँ सफल हो गए हैं। और ये लोग JD पब्लिक स्कूल के ये लोग सदस्य रहे हैं सरकारी स्कूल में। हो गया सर अभी तो हो गया है, ये सब टीचर बच्चों के यही पढ़ाए हैं। अभी अभी तो BPSC में इनका हो गया, क्वालिफाई कर गए थे, सरकारी स्कूल में चले गए, मगर जब ये थे उस दौर में ये सब बच्चे थे। सी बोर्ड और बिहार बोर्ड की बात की जाती है, हालांकि आप लोगों के पास दोनों हैं। बिहार बोर्ड के लड़के तो 4 चांद लगाए हैं, स्कूल का इधर है सर, स्कूल का कितना योगदान है बच्चों को सपोर्ट करने में? सपोर्ट एक्चुअली बच्चा जो स्कूल जो है बच्चों को उस हिसाब मेंटली तैयार करता है कि वो नेक्स्ट एग्जाम आने वाले एग्जामिनेशन के लिए MU के लिए चाहे अलीगढ़ या +2 नीट या चाहे JEE के लिए वो तैयारी करें, उसके लिए क्या करता है स्कूल की पहले उन लोगों को मेंटली तैयार करता है, पॉजिटिव एनर्जी डालता है जिससे वे आगे आने वाली पढ़ाई को प्रॉपरली कर सकें। जब तक हम यहाँ थे उस वक्त तक अभी भी जो भी टीचर हैं सभी बच्चों को एक पॉजिटिव एनर्जी उनके अंदर भरते हैं जिससे वो आने वाली अपनी नेक्स्ट पढ़ाई 10 के बाद जो पढ़ाई होती है उसमें वो प्रॉपर सही गाइड तरीके से तैयारी कर सकें, उसके लिए हम लोग गाइड भी प्रॉपर करते थे और जो अभी टीचर हैं वो करते हैं। 2019 तक मैं यहाँ पे पढ़ाया हूँ, 2019 में मैं 22 तक 22 में मेरी पोस्टिंग हो गई वो नियोजित टीचर के रूप में माझा में। अच्छा। पिछले साल मेरा नवंबर में मेरा सिलेक्शन हुआ है BPSC TR-1 में। हाँ, उसके पहले मैं यहाँ अपनी सेवा दे रहा था। ये एक बेहतर स्कूल है, इसमें बच्चों का बेहतर फ्यूचर है। मैं लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने बच्चों का एडमिशन कराएं और अपने बच्चों का उज्ज्वल भविष्य बनाएं। तो देखिए जलाल सर इधर है, जलाल सर आ गए। हम बता दें बहुत लोगों को जानकारी नहीं होगी, अगर आपके बच्चे का नाम या आपका नाम अगर BPL कार्ड में है, अगर जो उसका इनकम है यानी सालाना 80,000 से कम है, उसका जो आय बनता है अगर 80,000 से कम है तो अब आपको 1 रुपया स्कूल में देने की ज़रूरत नहीं है, वो बिल्कुल फ्री में पढ़ सकते हैं। बॉडी में 2-4 स्कूल है जो कि बिहार बोर्ड ने उसको मान्यता दिया है। सर पहले लोगों को मालूम नहीं था? पहले मालूम था, बहुत 13-14 में मेरा स्कूल रजिस्टर्ड हुआ बढ़िया। अच्छा। और 13-14 से हम फ्री पढ़ा रहे हैं BPL वाले बच्चों को। अच्छा, जिन लोगों का राशन मिल रहा है उन लोगों को जिसका BPL में कार्ड हो, BPL राशन मिलता है उन्हें? हाँ, BPL कार्ड जो राशन मिलता है। हाँ। या 80,000 तक का इनकम बनवा के गार्जियन देगा। हाँ। वो हर साल लगेगा इनकम का जो होगा, जो आय बनता है, आय जो हाँ इनकम जो बनता है, आय जो बनता है वो हर साल गार्जियन को देना होगा, हर साल बच्चों को तक फिर पढ़ाएंगे यानी रेलवन कराने के लिए एक हाँ एक साल हर साल देना होगा। तो इसका लोकेशन क्या होगा इस स्कूल का? ये स्कूल है बांसरा मजार के बाएं बगल जो सोलिंग आती है। हाँ। अभी ढलाई हो गया है, उस सीधे आइएगा उसके दाहिने बगल स्कूल है। और एक और स्कूल है बॉडी वो है तरवारा रोड मस्जिद के सामने, मस्जिद के सामने। तो देखिए अगर आप एडमिशन करना चाहते हैं तो ये स्क्रीन पर नंबर है, आप लोग कोई भी बात करना हो जलाल सर से आप नंबर लेकर बात कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट की भी व्यवस्था है, आप लोग एक मरतबा सेवा उठाइए, यही नंबर है आप स्क्रीन पर मेरा जो मोबाइल का स्क्रीन है नंबर लेकर आप कॉल करके बात भी कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।